आई है एक खुशखबरी, जिसे आप सुनके ही खुशी से फूल जाएंगे। प्याज के दामों में भारी गिरावट आई है। घरेलू और विदेशी प्याज की आवक बढ़ने से देश भर में इसकी कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले सप्ताह के मुकाबले प्याज के थोक दाम में 23% से ज्यादा गिरावट आई है, लेकिन खुदरा प्याज अभी भी 70 से 120 रुपए किलो बिक रहे हैं। अफगानिस्तान से प्याज की आपूर्ति बढ़ने से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्याज के दाम में गिरावट आई है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में बुधवार को प्याज का थोक भाव गिरकर 20 से 65 रुपए प्रति किलो पर आ गया है, जबकि पिछले सप्ताह 5 दिसंबर को आजादपुर मंडी में प्याज का थोक दाम 25 से 85 रुपए प्रति किलो था। इस प्रकार प्याज के दाम में पिछले सप्ताह के मुकाबले 20 रुपए यानी 23.52% की गिरावट आई है। आजादपुर मंडी की सूची के आधार पर बुधवार को राजस्थान और हरियाणा से आए प्याज का भाव 20 से 65 रुपए प्रति किलो, जबकि आयातित प्याज का भाव 37.5 से 62 रुपए प्रति किलो था। वहीं आवक 854.1 टन थी, जिसमें 186 टन विदेशी प्याज था। महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज की नई फसल की आवक तेज हो गई है। कारोबारी सूत्रों ने बताया कि दाम ऊंचा होने की वजह से किसान समय से पहले ही अपने खेतों से प्याज निकालने लगे हैं। प्याज की आवक बढ़ने से थोक भाव में ही नरमी नहीं आई है, बल्कि खुदरा कीमत भी थम गई है। हालांकि देश के अधिकांश शहरों में अभी भी प्याज 100 रुपए किलो से ऊंचे भाव पर बिकता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कीमत की सूची के अनुसार देश भर में प्याज का अधिकतम खुदरा मूल्य बुधवार को 160 रुपए और न्यूनतम 40 रुपए, जबकि मॉडल प्राइस 100 रुपए प्रति किलो था। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में प्याज 200 रुपए तक बिकी है। दिल्ली NCR में भी प्याज का दाम 150 रुपए किलो तक चल गया था। हालांकि दिल्ली NCR में अभी भी फुट पर विक्रेता 7 से 120 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं। मालूम हो कि प्याज के दाम को थमने के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 टन से ज्यादा प्याज का आयात करने का फैसला किया है, और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी MATC ने अब तक 36,000 टन प्याज का आयात करने के ऑफर दिए हैं, जिनमें से 21,000 टन से ज्यादा की सौदे भी हो चुके हैं। MMTC ने 6,090 टन प्याज मिस्र से और 15,000 टन तुर्की से मंगाने के सौदे किए हैं। इसके अलावा 15,000 टन प्याज मंगाने के लिए 3 दिन 3 टेंडर जारी किए गए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे आपको ताजी अपडेट मिलती रहे।